असलकुम वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग टुडे इज़ लेसन नंबर फाइव लेट्स टेक अ ब्रीफ़ रिकैप ऑफ वॉट वी है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम ठीक है हमने देखा कि जी पहले क्या लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं ब्रेसिज आती हैं बॉडी होती है प्रोग्राम की फिर उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की बात की उससे आगे हम चले तो हमने थोड़े से ऑपरेटर्स की बात की बाइनरी ऑपरेटर्स खासतौर पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसडेंस देखा हमने ये देखा कि जी फ्रेंथिसज़ यानी आम ब्रैकेट्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने कैलकुलेशंस जो हैं उनका कैसे ऑर्डर को फोर्स कर सकते हैं और ऐसा करके हमने छोटे छोटे कुछ रूडिमेंट्री प्रोग्राम्स लिखे हमने सी आउट और सी इन का इस्तेमाल देखा

लेकिन आज मैं करूंगा और फिर बार बार होता रहेगा वो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं आपने देखा कि जब मेन के बाद हमने एक ओपनिंग ब्रेस डाला यानी कर्ली ब्रैकेट उसके बाद जितनी चीज़ें हमने लिखी वो इंडेंट हुई हुई थी यानी ब्रेसेस वाली लाइन में नहीं थी थोड़ी सी आगे हमने लिखी थी ये एक मैटर ऑफ स्टाइल है लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है बिकॉज इससे आप बोर्ड को देखते हुए समझ लेते हैं कि जी एक ब्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और उसका इंडेंटेशन स्ट्रक्चर है क्या सो नाउ लेट एस टू फिगर आउट के जी आज के लेक्चर में हमने किस चीज के बारे में बात करनी है इट्स समथिंग नाउ कवर्ड वेरिएबल डेक्लेन्स वीर्ड समीमेंट्री और इंटरेस्टिंग वी ऑलरेडी टुक अ डिसीजन देखें डिसीजन जो है ना हमारी जिंदगी का रोजमर्रा जिंदगी का आम हिस्सा है आई मीन थिंक अबाउट अ सिंपल स्टेटमेंट लाइक भाई कॉलेज से घर आते हुए अगर दूध की दुकान खुली हो तो एक लीटर दूध का लेते आना दैट्स एन इफ स्टेटमेंट अगर दुकान खुली हो तब एक लीटर दूध का खरीद लाना ये इस किस्म के डिसीजन हम बेशुमार किस्म के हर वक्त लेते रहते हैं प्रोग्रामिंग का भी अगर जिक्र करें तो कंप्यूटर्स को अभी तक तो हमें एक सिंपल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताना आया है कि जी हम सिंपल रूडीमेंट्री अरिथमेटिक कर सकते हैं लेकिन देन इट्स नो मोर देन सिंपल कैलकुलेटर और मे बी अ प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर मजा तभी आता है जब हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर डिसीजंस शामिल करना लग पड़े कोई भी मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें डिसीजनस के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर ना हो सी भी इनसे مختلف नहीं है सी में भी एक डिसीजन स्ट्रक्चर मौजूद है उसकी हम आज बात करेंगे और फिर उसके वेरिएंट्स को देखेंगे सी में जो डिसीजंस के लिए इस्तेमाल की जाती है स्टेटमेंट वो है इफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है इफ उसके बाद एक कंडीशन आती है अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो उसके बाद एक स्टेटमेंट आती है या एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आती है जो एक्सिक्यूट होंगी सो वी कैन समराइज इट एज इफ

स्टेटमेंट के साथ तो इफ़ उसके बाद कंडीशन नॉर्मली कंडीशन को हम पैरेंथिस के अंदर इनक्लोज करते हैं उसके बाद एक स्टेटमेंट आएगी जिसके बाद सेमीकोलन लगा होगा फिर ये मैटर ऑफ स्टाइल रह जाता है कि जी इफ के सामने ही आपने परेंथिसिस लगा के स्टेटमेंट लिख देनी है या इफ के बाद कंडीशन जो पैरेंथीसिस में है और नेक्स्ट लाइन पे स्टेटमेंट लिखनी है अगर हम नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे तो हम उनको स्टाइल के लिए इंडेंट कर देंगे बाय वन यूनिट विच इज नॉर्मली एक टैब स्टॉप टैब स्टॉप क्या होता है वो जो आपके कीबोर्ड पे एक टैब की बनी हुई है उसको दबाएं तो आप देखेंगे कि कर्सर तीन चार जगह जो हैं वो एकदम आगे मूव कर जाता है उसको हम एक टैब स्टॉप कहते हैं सो वी विल नॉर्मली यूज इंडेंटेशन टू मेक क्लियर कि जी इफ स्टेटमेंट के या इफ़ कंडीशन के साथ कौन सी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो रही है अब अगर हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एक्सीक्यूट कराना चाहें प्रोवाइडेड द कंडीशन इज ट्रू व्हाट डू वी डू दिस इज वेयर द ब्रेसेस कम इन आई मेन्शनड दैट द ब्रेसेस कैन बी यूज्ड टू ग्रुप अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स तो अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जहाँ पे कई स्टेटमेंट्स एक्सीक्यूट करनी हो सो यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ तीन चार काम करने वाले थे अगर कंडीशन ट्रू है तो उस केस के अंदर जो स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट होनी है इफ के साथ उनको हम ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर देते हैं so अब इफ़ की शक्ल जो है वो बन जाती है इफ फिर आगे कंडीशन पैरथिस के अंदर उसके बाद ब्रेसेस यानी कर्ली ब्रैकेट्स हम खोलते हैं उसके बाद अब जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिखें एक या उस ज़्यादा और फिर कर्ली ब्रेसिस को बंद कर दें एंड रिमेंबर हर स्टेटमेंट के अखीर के ऊपर सेमिकोलन लगाना لازمی है अब इसके अंदर फिर स्टाइल के इशू आते हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि जी इंडेंटेशन जो है वो बजात खुद कुछ नहीं करती वो सिर्फ हमारे लिए है ताकि कोड पढ़ते वक्त या कोड को देखते वक्त हमें उसकी समझ आ जाए कि जी कौन सा ब्लॉक किस किस्म का है ये कभी ना समझेगा कि जी इंडेंटेशन की वजह से कोई लॉजिक बदल गया है लॉजिक जो है वो ब्रेसिस की वजह से बदल सकता है या ब्रेसिस ना होने की वजह से बदल सकता है यहाँ पे आई कैन टॉक अबाउट के जी अगर गलत सेमी लगा दें तो क्या होगा लेकिन वील वेट दैट. लेट अस लुक एट अ वेरी सिंपल वन लाइन एग्जांपल. सपोज़ हमारे पास ना दो स्टूडेंट्स की एजेस हैं और वो एज जो है वो इंटीजर किस्म का वेरिएबल है और हमने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं उसको रीड कर लिया हुआ है और हम देखना चाहते हैं कि जी स्टूडेंट वन की उम्र ज्यादा है या स्टूडेंट टू की उम्र जो है वो ज़्यादा है सपोज़ द वेरिएबल आर एज वन एंड एज टू

इसमें देखें एक ऑपरेटर आ गया बीच में जो था ग्रेटर देन साइन जब भी हम कोई कंडीशन टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें इस किस्म के ऑपरेटर की जरूरत होती है इन ऑपरेटर्स को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स ये आपने कैलकुलस में भी देखे थे और इनको थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप भी हम करेंगे और इनकी कम्प्लीटनेस के बारे में भी आपको बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए जब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो ऑबियसली एक क्वांटिटी दूसरी से बड़ी हो सकती है या बड़ी या उसके बराबर हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है या इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू और इट कैन बी स्ट्रिक्टली लेस देन सो वेरी सिंपल वही चीज़ें जो एल में वो आपने रियल नंबर लाइन के ऊपर की थी वेन एवर यू आर कंपेयरिंग टू कोटिटीज यू कैन यूज़ एनी ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड द नाइस थिंग विद सी इज़ दैट ये रिलेशनल ऑपरेटर वही हैं जो कि हम एलजब्रा में आम तौर पर लिखते हैं यानी लेस दैन के लिए लेस दैन का साइन इस्तेमाल होता है लेस देन औरल टू के लिए लेस दैन ईक्ल टू दरमियान में स्पेस नहीं देनी एक ऑपरेटर गिना जाता है उसके बाद एक टू जो है वो एक ख़ास चीज़ है उसके लिए हम दो इक्वल टू साइन इस्तेमाल करते हैं इन पर अभी मैं बात करता हूँ और आखिरी दो ऑपरेटर्स जो हैं वो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू

अब मैंने कहा था कि जी मैं डबल इक्वल्स के बारे में बात करूंगा देखें सिंगल इक्वल टू साइन कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं याद है सिंपल असाइनमेंट के लिए सो इफ यू वर टू से एक्स इक्वल टू जीरो दैट इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इट इज नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट वेदर एक्स इज इक्वल टू जीरो सी मे यू हैव टू राइट एक्स डबल इक्वल टू साइन जीरो और इस छोटी सी चीज़ पे बहुत सारे लॉजिकल एरर्स आकर कर सकते हैं सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यूजिंग एन इक्वालिटी ऑपरेटर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पोट इन डबल इक्वल टू साइन नॉट सिंगल इक्वल टू थोड़ा सी इसकी एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन लेट्स ट्राई इट नाउ वी कैन कम बैक टू इट लेटर अगेन द प्रॉब इज दिस अगर आप डबल इक्वल टू जहाँ पे आप कंडीशन टेस्ट कर रहे थे वहां सिंगल इक्वल टू डाल दें तो सी का कंपाइलर एरर नहीं डिटेक्ट करेगा इट इज नॉट अंटेक्स एरर एंड द प्रॉब्लम इज एवरी सी स्टेटमेंट रिटर्न अ वैल्यू यानी अगर आप कहते हैं x इक्वल टू जीरो तो असाइनमेंट तो हो गई और फिर इस स्टेटमेंट ने भी एक वैल्यू रिटर्न कर दी यानी स्टेटमेंट की अपनी बजाते खुद जो है उसकी एक वैल्यू है और वो वैल्यू इफ स्टेटमेंट चेक कर लेगी ट्रू या फॉल्स And something wrong logically will happen, so you have to be careful with that. Abhi itni explanation kafiya. hai. So whenever you're using a decision, and you want to check for equality, make sure ki aapne double equal to sign dala hua hai. Ab yeh puri range of operators hai, strictly less than to strictly greater than, and that completes, matlab, our set of comparison operators, ya relational operators. स्टेटमेंट का इन ऑपरेटर्स के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं लेट्स एस कि के हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं आमिर और अमारा और हम कहते हैं कि जी इनकी एजेस लेके कंपेयर करें और बताएं कि कौन बड़ा है सो लेट्स लुक एट दिस लिटल सी प्रोग्राम एंड फिगर आउट हाउ इट इज डन एज यू द सी प्रोग्राम स्टार्ट विद इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट विच अलाउज अस टू गेट इनपुट फ्राम द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन उसके बाद हमने मेन की स्टेटमेंट आ गई लिख दी और वो मेन वही है सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट मेन होता है उसके बाद हमने ब्रेसिस को खोला कली ब्रैकेट शुरू किए अब वही बात कीजिए स्टाइलिस्टिकली या आदतन अगर आप इसी वक्त इसका क्लोजिंग ब्रेस डाल दें तो बाद में एक सिन्टेक्स अर से बच जाएंगे एक करेक्शन से बच जाएंगे सो so, जोड़ा डाल दें ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस फिर उसके दरम्यान में हमने कोड लिखना शुरू किया इस प्रोग्राम के लिए हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत है जिसमें इन स्टूडेंट्स की एज स्टोर की जाएंगी सो लेट्स डिक्लेयर अगेन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी टू इंटेजर वेरिएबल्स एंड लेट्स कॉल देम आमिर एज एंड अमारा एज दे आर वन वर्ड बीच में स्पेस नहीं छोड़नी वेरिएबल नेम इज ऑलवेज कंटिन्यूस सो वी से इंट आमिर एज कॉमा अमारा एज सेमी अब देखें अगेन स्टाइलिस्टिकली जब ऊपर वाला ओपनिंग ब्रेस आ गया तो यहाँ पे इंट को हम इंडेंट करके लिखेंगे इंडेंटेशन का सबसे आसान तरीका यह है कि आप टैब स्टॉप इस्तेमाल करें वही अपने कीबोर्ड पे जो टैब है उसको एक दफ़ा दबा दें चीज़ें इंडेंट हो जाएंगी अगेन फ्रॉम इस प्रोग्राम में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन स्टाइलिस्टिकली एंड फॉर एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस अगर आप इंटीजियर को डिक्लेयर करते हैं तो इसको इनिशलाइज भी कर लिया करें डोंट एस्यूम के कंपाइलर या कंप्यूटर इसको कोई वैल्यू दे देगा इवन इफ द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज स्टेट दैट वेन यू डिक्लेयर इन इंटर वेरिएबल तो उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो होगी फॉर एग्जाम्पल आप फिर भी अगर आपने जीरो बनाना है उसको एक्सप्लिसिटली बना दें कोई खास खर्चा नहीं आता लेकिन आपका प्रोग्राम विल ऑलवेज भी एरर फ्री अब अगर हम इससे आगे चलते हैं तो अब अगेन कीपिंग आर यूजर फ्रेंडली रूल्स इन माइंड हम पहले कहते हैं कि जी यूज़र को एक प्रॉम्प्ट दे दो तो हम सी आउट का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं प्लीज़ एंटर आमिर एज और फिर कंप्यूटर को आमिर की एज पढ़ानी है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सी इन स्टेटमेंट आ जाती है उसके जरिए हम करते हैं सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन आमिर एज सेमिकोलन ये स्टेटमेंट जब एक्सिक्यूट होगी कम्प्यूटर यहाँ पर रुका होगा एस्यूमिंग के अब की से कोई इनपुट आएगी कीबोर्ड से जब आप एक इंटेरियर डाल के एंटर दबाएंगे तो सी इन के थ्रू होता हुआ वो आमिर एज वेरिएबल जो है उसको असाइन हो जाएगा उसके बाद फिर एक प्रॉन्ट देनी चाहिए अगेन एज मेकिंग द प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली वी से सी आउट और फिर उसके साथ कोटेशन मार्क में प्लीज एंटर अमाराज एज नेक्स्ट लाइन फिर सी इन करके हम कहते हैं कि जी सी इन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन अमारा एज तो अब कीबोर्ड से जो नंबर आप एंटर करेंगे वो हमारा एज जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा अब हमने इन दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है सो अब यहाँ पे आ गया इफ़ स्टेटमेंट सो वी पुट इन अ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट सेइंग इफ ओपन पैरथिस आमिर एज ग्रेटर देन हमारा एज क्लोज परेंथिस नेक्स्ट लाइन इंडेंटेशन इन से सी आउट आमिर और ये सी आउट के साथ वही लेस दैन लेस फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर हम लिख रहे हैं आमिर एज इज ग्रेटर दैन अमारेमिकोलन डाला ब्रेस खत्म किया प्रोग्राम कंप्लीट सो इट्स वन लाइन टेस्ट इफ़ आमिर ग्रेटर दैन अमारिट दाइन आमिर इज ओल्डर देन अमारा ऑब्वियसली हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहेंगे बट देखें इसमें इफ के साथ मैंने कोई ब्रेस इस्तेमाल नहीं किया लेकिन अगर मैं कर लेता तो उसमें कोई गलती नहीं थी सो आई कोड हैव इजीली रिटन द स्टेटमेंट एज इफ परेंथिस ओपन आमिर एज ग्रेटर देन अमारा एज परेंथस क्लोज्ड नई लाइन पे ओपन ब्रेसेस उसके बाद सी आउट वाली स्टेटमेंट उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे क्लोज ब्रेसेस अब इससे होता क्या है कि जो इफ था उसके साथ एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अटैच हो गया है और वो ब्लॉक इस एग्जांपल के अंदर सिर्फ उसमें एक स्टेटमेंट है सो so, कोई मसला नहीं है इट इज़ परफेक्टली वैलिड एज सी एंड इट इज़ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बिकॉज कभी मतलब अन गलत लॉजिक ना इस्तेमाल हो जाए हम ब्रेसेस इस्तेमाल कर लेते हैं सो so, एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम बना लिया अब क्वेश्चन ये है कि जब हमारे प्रोग्राम्स कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे इसके जब हम एक प्रॉब्लम देते हैं उसका अनालिसिस करते हैं फिर उसका प्रोग्राम लिखते हैं क्या दरमियान में कोई स्टेप है जो हम इस्तेमाल कर लें फॉर एनालिसिस द आंसर इज़ यू ऑलरेडी लुक्ट एट दैट कोड और फ्लो चार्टिंग अवेलेबल टू यू अब हम बात करते हैं थोड़ी सी फ्लो चार्ट के बारे में अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इन अ वे इस्टेटमेंट के बारे में रोक के अब फ्लो चार्ट फ्लो चार्टिप्रजेंटेशन ऑफ आर एनालिस ऑफ द प्रोग्राम या प्रॉब्लम उसकी बात कर लेते हैं फिर हम वापस इस स्टेटमेंट की तरफ आएंगे फ्लो चार्ज जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कोई मुश्किल रिप्रेजेंटेशन नहीं है बड़ी सिंपल सिंपल हमने रखनी है इनफैक्ट इफ़ आई थिंक अबाउट इट वी गॉट वन टू थ्री फोर टोटल फोर सिम्बल्स दैट वी विल यूज एक प्रोग्राम को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए हम ओवल इस्तेमाल करेंगे सो so, एक ओवल बना के उसके अंदर स्टार्ट लिख दिया और नीचे एक ओवल बना के उसके अंदर स्टॉप लिख दिया बाकी कोई भी प्रोसेसिंग हमने करनी है इनपुट लेनी है आउटपुट लेनी है जमा करना है मल्टीप्लाई करना है कुछ करना उसके लिए हम रेक्टेंगल इस्तेमाल करेंगे तो रेक्टेंगल के अंदर जो भी करना है प्रोसेस वो लिख दिया कई रेक्टेंगल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं और सिंबल्स को आपस में हम एक सीधी लाइन से जोड़ते हैं उसके बाद सपोज़ हमारा फ्लो चार्ट लम्बा हो जाता है तो हम एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं उसके लिए हम एक छोटा सा सर्कल इस्तेमाल करेंगे सो सर्कल इज़ अ कंटिन्यूशन मार्क और सर्कल के अंदर आप नंबर या लेटर लिख सकते हैं जो कि दूसरे सफ़े पर वही नंबर या लेटर लिख दिया तो पता चल गया कौन सा सर्कल कहाँ पे जा रहा है अब असल क्वेश्चन आता है कि जी इफ स्टेटमेंट का उसके लिए सिंबल क्या इस्तेमाल किया जाए आपने पहले भी देखा होगा और आपकी किताब में भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जी डिसीजन के लिए हम हमेशा डायमंड इस्तेमाल करते हैं फ़र्क यह है कि यहाँ पर जो हम आपको फ्लो चार्टिंग टेक्निक नहीं कहना चाहिए सिंबल कहना चाहिए या कंस्ट्रक्ट कहना चाहिए वो जो इस्तेमाल करेंगे ये आपको किताब में नहीं मिलेगी और ये किताबों से ज़रा सी हटके है उसकी वजह ये है कि जो हम टेक्निक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच के साथ ज़्यादा मुनासिबत रखती है यदि इट हैज़ अ बेटर कॉरेस्पॉन्डेंस विद द वे वी राइट आर प्रोग्राम्स एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द फ्लो चार्टिंग दैट यू सी इन टेक्स्ट बुक्स सो नाओ लेटर सी हाउ वी ड्रा द इफ़ स्टेटमेंट वॉट वी डू इज़ ओके फॉर द मोमेंट हम ऊपर से एक लाइन लाते हैं उसके बाद एक डायमंड बनाते हैं सो so, डायमंड के अंदर हम वो कंडीशन लिखते हैं जिसपे इफ़ का टेस्ट होना है सो so, अगर हम ए और बी को कम्पेयर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जी इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो हम ए ग्रेटर देन बी डायमंड के अंदर लिख देते हैं डायमंड के ऊपर और साइड पर थोड़ा सा करके वहाँ पर हम लिखते हैं इफ़ कि ये डायमंड जो है ये इफ़ को बिलोंग करता है यहाँ पे इफ़ लिखने का मकसद ये है कि ये आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाए बिकॉज जैसे हम आगे चलेंगे आपको पता चलेगा कि यही डायमंड हम और जगहों पे भी इस्तेमाल करते हैं ये भी डिसीजनस के लिए डायमंड से आप नीचे को एक सीधी लाइन निकालें अब यहाँ पे हम फर्क कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से टेक्स्ट बुक में डायमंड से दोनों साइडों को लाइनें निकलती हैं एक तरफ को यस लिखा होता है दूसरी तरफ को नो हम वो नहीं करना चाहते हम सीधी ही लाइन नीचे निकालेंगे और उसके उस लाइन में से एक लाइन साइडवेज निकाल देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा देन यानी इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू यस कह लें या देन लिख लें और फिर उसके साथ एक ब्लॉक ऑफ कोड आ गया जो प्रोसेस है हमने कहा हम रेक्टेंगल इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल से नीचे लाइन जो है वो इफ़ की वर्टिकल लाइन के साथ ला मिला दी अब अगर इस तस्वीर को आप देखें तो यू विल रियलाइज कि दिस इज एग्जैक्टली द वे जो हम प्रोग्राम के अंदर कोड लिखते हैं हम लिखते हैं इफ़ कंडीशन और फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आती हैं उनको हम इंडेंट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो यहाँ पे हमारी तस्वीर जो है वो भी इफ़ के साथ डायमंड के अंदर कंडीशन और उसके नीचे जो भी ब्लॉक एक्जीक्यूट करना है उसको हमने इंडेंट कर दिया एक लेबक लेफ्ट टू राइट ऑलवेज इस कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर कभी भी दूसरी तरफ को लाइन नहीं जाएगी यानी जब आप अपने फ्लो चार्ट को अपने कोड के साथ कंपेयर करेंगे दे विल बी अ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू एंड यू विल बी एबल टू वेरी ईजीली सी कि जी कौन सी डिसीजन जो फ्लो चार्ट किया था वो कोड के अंदर कैसे लिखा हुआ है और वो सही है कि नहीं है सो so, ये चीज़ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से आएगी लेकिन आपके हैंडआउट्स में भी इफ़ कंस्ट्रक्ट हमने दी हुई है उसको अच्छी तरह स्टडी करें और इसको इस्तेमाल किया करें आज तो बड़े बड़े हम सिंपल से प्रोग्राम्स कर रहे हैं कल को प्रोग्राम्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे आपको फ्लो चार्टिंग की या किसी और एनालिसिस टूल की ज़रूरत होगी वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा सो फॉर द मोमेंट इफ़ का फ्लो चार्ट आल जस्ट रिक इज वेरी सिंपल वन डायमंड विद द लाइन एंटरिंग इट फ्रॉम द टॉप वर्टिकली अ लाइन एग्जिटिंग वर्टिकली एट द बॉटम एंड द ब्लॉक टू बी एक्सक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू इज ऑफ लेफ्ट टू राइट वन इंडेंटेशन लेव एंड शोन इन अ रेक्ट सो यू हैव द सेम स्ट्रक्चर एज यू वुड हैव इन द कोड इस फ्लो चार्ट को ले कर अब अपनी लाइब्रेरी में मैंटल लाइब्रेरी में फाइल कर लें क्योंकि ये बाद में इस्तेमाल होगा और अगर ये पूछें कि जी ये इस स्ट्रक्चर जो है जो इसका फ्लो चार्ट हमने बनाया है इसकी बिगिनिंग और एंड कहाँ है तो डायमंड से ऊपर जो लाइन आ रही है वहाँ पर एक नुकता बना लें कि जी यहाँ से ये कॉन्स्ट्रक्ट शुरू होती है और नीचे जहाँ लाइन निकल रही है जहाँ पर रेक्टेंगल से लाइन वापस आ गई है उसके बाद भी वहाँ पे भी एक नुकतः लगा लें कि जी ये पूरा इफ़ स्ट्रक्चर है so, अब हम इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि जी सिंपल डिसीजंस या कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं जब हम इफ़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ यूजली एल्स भी आ जाता है आम जबान में इसका क्या मतलब है कि हम ये कह रहे होते हैं कि जी अगर सड़क पर भीड़ ज़्यादा हो तो ये रास्ता इख्तियार कर लेना वरना तुम सीधे चले जाना सो so जब भी हमने वरना की बात की देट इज द एल्स पार्ट ओके इफ समथिंग इज ट्रू डू सम अदरवाइज डू समथिंग एल्स सो समटाइम्स यू हैव दिस सिचुएशन दैट यू हैव टू फॉलो वन ऑफ टू डिफरेंट पार्थ्स ओवर देर यू हैव टू ऑल्टरनेटिव एक तरीका तो ये है लेट्स कॉन्ट एन एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स तो बनाते ही रहेंगे जैसे हम चलते जाते हैं हम एग्जाम्पल बनाते हैं कि जी अगर एक हमारी क्लास का स्टूडेंट जो है उसकी उम्र जो है वो अठारह साल से ज्यादा हो या उसका कद जो है वो पाँच फुट से ज़्यादा हो ठीक है तो हम उसको लेट्स फुटबॉल टीम में शामिल कर लेंगे वरना हम उसको चेस टीम में शामिल करेंगे यानी इधर ही इज टू यंग और टू शॉर्ट पुटम इन द चेस टीम So, let's see how do we code this. इसके अंदर थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इस्तेमाल कर ली इफ एल्स के अलावा भी बट विल कम टू दैट देखिए पहली चीज जो हमने इसमें कॉम्पलेक्सिटी डाली है उसमें दो कंडीशंस डाल दी ठीक है अब दो कंडीशन जो हैं उसमें कह दिए कि जी अगर इसकी उम्र ज्यादा हो या इसका कद ज्यादा हो सो नाउ देर इज अ कनेक्टिव दैट इज रिक्वायर्ड कंडीशन वन और द इंग टू इसको हम सी में कैसे लिखेंगे और इसी तरह बहुत सारी और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस बनती हैं अभी हमने कुछ देर पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात की थी अब उनको एक्सटेंड करने के लिए हमें ये लॉजिकल कनेक्टिव्स भी चाहिए दैट मींस कि जी दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को आपस में कैसे जोड़ा जाए दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को जोड़ने के लिए हम लॉजिकल कनेक्टिव जो इस्तेमाल करते हैं वह हैं एंड या और ये ये चीज़ और ये चीज़ हो रही है ये उर्दू वाला और है तो वो इसका मतलब है द एड कनेक्टिव और अगर वो ये चीज़ या ये चीज़ हमने बतानी हो लॉजिकली तो फिर उसके लिए और कनेक्टिव है इसमें जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश एंड के लिए वो एम्परसेंड साइन है आपके की बोर्ड पर नंबर रो पर आप लोकेट कर लीजिएगा सो so, एंड के लिए जो इंग्लिश एंड के लिए सिम्बल है वो डबल एम्परसेंड है एंड एंड लिखा जाता है और और के लिए जो है वो वर्टिकल बार है जिसको हम पाइप सिंबल भी कहते हैं कीबोर्ड पे आपको शायद सिंपल बार कई दफ़ा नजर आ जाता है कई दफ़ा डबल बार नज़र आता है ऊपर और नीचे वो भी आप लोकेट कर लें उसका भी डबल इस्तेमाल होता है सो इट इज़ अ वर्टिकल बार वर्टिकल बार व्हिच स्टैंड फॉर द इंग्लिश और ओ आर सिम्बल सो वेन यू वॉन्ट टू कम्बाइन रिलेशनल एक्सप्रेशन यू से इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन डी तो सी लैंग्वेज में उसको लिखा जाएगा एफ़ परेंथिसिस ए ग्रेटर दैन बी एंड एंड सी ग्रेटर दैन डी परसिस क्लोज सो वही बात कीजिए अगर एज वाला एग्ज़ाम्पल ले लें ले और कद वाला एग्जाम्पल ले लें ले तो हमने वहाँ कहा था यानी उम्र अगर अठारह साल से ज़्यादा है या उसका कद पाँच साल से ज़्यादा है पाँच फुट से ज़्यादा है फिर हम ये कनेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो उसमें अगर सी में हम वही वेरिएबल्स लगा लेते हैं और नाम वही रख लेते हैं विच आर ऑब्वियस तो वी वुड से समथिंग लाइक इफ एज इज ग्रेटर देन 18 सो ग्रेटर देन और हाइट ग्रेटर देन 5 सो इट्स नाउ अ कंपाउंड एक्सप्रेशन अगेन इसका जवाब जो है एज ऑल रिलेशनल एक्सप्रेशन या वो ट्रू में आएगा या वो फॉल्स में आएगा और फिर आगे इफ़ स्टेटमेंट का नॉर्मल सिंटेक्स चलता है अब इसके आगे हम एल्स को ले आते हैं तो अगर हमने एल्स इस्तेमाल करना हो तो हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन और फिर वो स्टाइल वाली बात ओपन ब्रेसिज अंदर जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट्स लिखनी चाहें वो लिख लें यह स्टेटमेंट्स तब एक्सिक्यूट होंगी अगर कंडीशन ट्रू है ब्रेसिस बंद करें और फिर लिखें एल्स ई एल एस ई फिर ब्रेसेस खोलें फिर उसमें एक से एक या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिख लें और ब्रेसेस बंद कर दें सो so, अब आपके पास इफ़ एल्स ब्लॉक बन जाता है बैक टू द फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट में इफ़ एल्स को कैसे डिपिक्ट किया जाए आप अगर किताब में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जी इफ स्टेटमेंट में ऊपर से लाइन आई आये डायमंड है और फिर उसके एक तरफ को लाइन निकाल दी येस और दूसरी तरफ को निकाल दी नो करके हम इसको ड्रॉ कुछ इस तरह से करेंगे कि जी ऊपर से लाइन आई वो चली गई डायमंड में जिसमें कंडीशन लिख दी और डायमंड से पहले नीचे को लाइन सीधी निकाल ली और फिर पहला ब्लॉक उसको राइट को इंडेंट किया उस पर लिखा देन और रेक्टेंगल बना के उसके अंदर प्रोसेस लिख दिया जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है लाइन वापस ले आए उसके बाद उससे नीचे एक और ब्लॉक निकाला राइट साइड को अगेन लेफ्ट टू तो राइट और उस लाइन के ऊपर आप लिख देंगे एल्स और फिर नीचे ब्लॉक दे के वापस उससे लाइन वापस ले आए ये थोड़ा सा फनी स्ट्रक्चर लगता है लेकिन आपने देन और एल्स लिख के उन ब्लॉक्स को क्वालिफाई कर दिए कि जी ये कब एक्सीक्यूट होने और ये कब एक्सिक्यूट होने फ़ायदा इस कंस्ट्रक्ट का वही है कि जी इफ देन एल्स की फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन वही आप ऊपर नीचे नुकते लगाएं तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है इसको जब आप कोड के साथ कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल मिलेगी कि जी इफ़ के बाद जो कोड आ रहा है उसको इंडेंट किया हुआ है लेफ्ट टू राइट और फिर एल्स के साथ जो आ रहा है उसको फिर इंडेंट किया हुआ है देखें जब भी हम कोड इंडेंटेशन की बात करते हैं वो हमारी सहूलत के लिए ताकि हमें ईजीली ब्लॉक्स नज़र आ जाए एंड यू नो एंड आई नो कि जी इंडेंटेशन लेफ्ट साइड को नहीं हो सकती लेफ्ट साइड पर एक मार्जिन आ जाता है उससे लेफ़्ट को नहीं जा सकते सो वाई शुड वी ड्रॉ फ्लो चार्ट विच गो लेफ्ट एंड राइट और आगे जाके जब हम नेस्टेड कॉन्स्ट्रक्ट की बात करेंगे आप देखेंगे ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि वो जो उसको फिर हम स्पेगेटी फ्लो चार्ट कहने लग पड़ते हैं कि जी उसके अंदर गंभीर किस्म के कॉन्स्ट्रक्ट बन रहे हैं जिसका कोड के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहता सो इट इज़ नाइसर टू स्टार्ट यूजिंग दीज कॉन्स्ट्रक्ट्स नाउ पर हैप्स वी कैन यूज दीज इन अ प्रोग्राम नॉट द कॉन्स्ट्रक्ट बट फॉर द मोमेंट द एफ एल्स स्टेटमेंट चलें एफ एल्स के लिए हम अपना वही एज कंपैरिजन प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे व्हाट वी वांट इज दैट इफ आमिर एज इज़ ग्रेटर दैन अमाराज हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करें आमिर इज़ ओल्डर देन अमारा एंड इफ दैट इज़ नॉट ट्रू यानी आमिर की उम्र कम है अमारा की उम्र के मुकाबले में फिर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं आमिर इज़ यंगर दैन अमारा अब पूरा प्रोग्राम लिखने के बजाय लेट्स जस्ट लुक एट द कॉन्स्ट्रक्ट दो तरीके हैं पहला तरीका तो जो हमें पहले आता था इफ स्टेटमेंट उसको इस्तेमाल करते हैं हम कहते हैं इफ पैरेंथिस के अंदर आमिर एज ग्रेटर दैन अमारा एज फिर उसके बाद ब्रेस खोल लें प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस या स्टाइल और आगे आ जाएगा सी आउट आमिर इज ओल्डर दैन अमारा एंड ब्रेस ये स्टेटमेंट खत्म हो गया एक कंडीशन टेस्ट हो गई दूसरी स्टेटमेंट आप लगा लें इफ परेंथिसिज ओपन आमिर एज लेस दैन अमारा एज परेंथस क्लोज फिर ब्रेस खोलेंगे फिर हम लिखेंगे सी आउट वही लेस देन लेस देन, आमिर इज यंगर देन अमारा और ब्रेस क्लोज अब देखें इन दो कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए हमने दो इफ स्टेटमेंट्स इस्तेमाल की हैं थोड़ा सा कोड लम्बा हो गया है लेकिन हम ये ज़्यादा काम जो है वो ज़्यादा एलिगेंटली एक एल्स के साथ भी कर सकते थे क्योंकि या आमिर बड़ा है या छोटा है सो लेट्स सी हाउ वी राइट द एल्स स्टेटमेंट विद द इफ स्टेटमेंट ना वट वी विल डू इज वी विल राइट इफ़ परेंथिस ओपन आमिर एज ग्रेटर दैन हमारा एज परेंथिस क्लोज ओपन ब्रेसिस फिर हम कहते हैं सी आउट आमिर इज ओल्डर दैन अमारा ब्रेसिज क्लोज एल्स फिर हम ब्रेसिस खोलते हैं पर कहते हैं सी आउट आमिर इज यंगर दैन अमारा मैं वो कोटेशन मार्क्स सेमी कोलम मेंशन नहीं कर रहा और ब्रेसेस हम क्लोज कर देते हैं अब एक कंपाउंड इफ स्टेटमेंट बन गया जिसमें इफ़ और एल्स आ गया कोड थोड़ा सा छोटा हो गया थोड़ा सा मोर रीडेबल हो गया क्योंकि हमें अभी बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करना वरना ये करना सो इफ एल्स इज़ अ वेरी कॉमन कॉन्स्ट्रक्ट

इट्स वेरी नीट वेरी क्लीन एंड यू विल अप्रीशियेट दम्बोलिक रिप्रजेंटेशन अब इसमें हम फिर कोई कॉम्प्लेक्सिटी डाल सकते हैं लेकिन उस डालने से पहले ये देख लें कि ये जो हमने अभी कंडीशन लगाई छोटा सा टेस्ट किया था यह कम्प्लीट था कि नहीं था क्या ख्याल है जो एफ एल स्टेटमेंट का मैंने एग्जाम्पल दिया है वॉज देट अ कम्प्लीट टेस्ट दिस इज ऑलमोस्ट रेफरिंग बैक टू द रियल नंबर लाइन एंड द कैलकुलर स्टेटमेंट जो आपको पढ़ाई गई हैं देखिए हमने दो टेस्ट किए हैं यहाँ पर हमने कहा है कि जीफ आमिर एज ग्रेटर दैन हमारा एज और फिर कर दिया एल्स जब हमने एल्स किया तो देट मीन्स ऑल अदर कंडीशंस दैट मीन्स के जी अगर ग्रेटर दैन ट्रू नहीं है तो बाकी सारे केसेस दूसरी स्टेटमेंट में हैंडल होंगे अब इसमें कोई प्रॉब्लम आता है या ये अच्छी बात है अच्छी बात तो ये है कि जी द टेस्ट इज कंप्लीट ईधर आमिर इज़ ओल्डर देन अमारा देन वी डू समथिंग और वी हैव द अदर कंडीशन वेयर आमिर मे बी यंगर देन अमारा और आमिर एज में बी इक्वल टू अमारा तो अब ये ज़रा सी सटल बात है लेकिन लॉजिकली हमने जो अभी प्रोग्राम लिखा था वो सही नहीं है वो इस बात कि जो हमने एल्स के साथ लिखा Else ke sath humne likha hai, amir is younger than Amara. That is not correct. The else now is completing the greater than which was in the if statement. Therefore, the else represents less than or equal to. So, the statement that should have been output should have been in the first case, if Amir age greater than Amara age, see out, Amir is older than Amara. Else, जो एल्स के साथ सी आउट आएगा टू बी एग्जैक्टली करेक्ट मीन इट शुड स्टेट सी आउट लेस दैन लेस आमिर इज यंगर दैन और ऑफ द सेम एज एज हमारा सो ये याद रखिएगा कि जब आप रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कम्प्लीटनेस का ख्याल रखना बड़ा लाजमी है देखें इसमें एक कैच आ जाता है एल्स ने हमारी जान बचा ली क्योंकि उसने बाकी सारी केसेस कवर कर लिए अगर हम वो पहले वाले एग्जांपल की दो मुख्तलफ इफ स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते तो फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जी पहले केस में अगर हमने ग्रेटर देन लिखा है तो दूसरे में लेस देन और इक्वल टू लिखें ताकि हर चीज़ कवर हो सके और अगर नहीं हम चाहते हैं कि जी आमिर इज़ ओल्डर दैन अमारा और द सेम एज़ अमारा ये लिखना चाहते हैं तो पहले वाले ईफ के अंदर हम लिखते ग्रेटर दैन और इक्वल टू ना जिसको हम सिंबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू सो जस्ट बी अवेयर जब भी आप डिसीजंस ले रहे हों तो मेक श्योर दैट ऑल केसेस आर कवर्ड कोई केस बीच में रह ना जाए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्स इन दैट सेंस इज यूजफुल बिकॉज इट आल्सो कम्पलीट्स द रेंज ऑफ चेक्स दैट टू परफॉर्म इसके साथ फिर वही बात कि जी अब आप लॉजिकल कंडेक्टिव हाथ लगा दें और कंडीशन को और कॉम्प्लेक्स बनाते जाए सो so, आप डबल एम्प एंड के साथ एंड कंडीशन लगा देते हैं डबल वर्टिकल बार के साथ और लगा सकते हैं रिलेशन एक्सप्रेशन को ज्वाइन करने के लिए इसमें अगेन आल गो बैक एंड रेफर टू योर अर्लियर कोर्स विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वहाँ पर भी इन चीज़ों की बात हुई थी और आपको याद होगा कि वहाँ पर आपने ट्रूथ टेबल्स भी बनाए थे कई दफ़ा ये तो बड़े सिंपल प्रोग्राम्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाता है उस वक्त ट्रूथ टेबल्स बिकम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट समाइम्स द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लेक्स दैट यू कैन नॉट सिंपली राइट इट डाउन इन इंग्लिश और उर्दू एंड ट्राई टू फिगर आउट कि जी इसका जवाब क्या आएगा सो so, वहाँ पे अगर आप ट्रूथ टेबल बना लें कि जनाब ये एक एक्सप्रेशन है इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या बनती हैं क्योंकि ये लॉजिकल एक्सप्रेशन से ये ट्रू फॉल्स में चलेंगी फिर दूसरा कॉलम बना लें उसमें भी ट्रू फॉल्स लिख लें तीसरा कॉलम जो है वो इनको कनेक्ट करके होगा कि जी एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू या एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू सो वो ट्रूथ टेबल जो है दैट इज़ आल्सो अ गुड एनालिसिस टूल जिसके साथ आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि जी आपका जवाब क्या आएगा और उन केसेस को हैंडल कैसे करना है एक ऑपरेटर जो कि हम नहीं इस्तेमाल कर रहे थे वो भी आप किसी भी अपने लिए एक प्रोग्राम फॉर्मुलेट कर लें या प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लें उसको प्रोग्राम करें वो है नॉट इक्वल टू सिंपल अगर हम कहें कि जी इफ आमिर एज एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू अमारा एज तो इसके साथ आउटपुट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए इसकी सिंपल आउटपुट स्टेटमेंट ये बनती है कि जी आमिर एंड अमाराज एज एजेस आर नॉट द सेम सिंपल

और फिर पूरी एक्सप्रेशन क्योंकि लॉजिकल है उसका अपना जवाब जो है वो ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा एक और एक्सप्रेशन है ऑपरेटर है वो है यूनरी नॉट ऑपरेटर इसका भी आपने ट्रूथ टेबल बनाया था नॉट ऑपरेटर मींस के जी अगर ट्रू है तो नॉट ट्रू मींस फॉल्स और अगर फॉल्स है तो नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू सो अगर किसी भी रिलेशनल एक्सप्रेशन को इन्वर्ट करना हो उसका मतलब तो फिर उसके आगे आप नॉट ऑपरेटर लगाते हैं और नॉट का सिंबल सी के अंदर इज सिंपली द एक्सक्लेमेशन मार्क अगेन लाइक अदर यूनरी ऑपरेटर द नॉट ऑपरेटर डज नॉट अफेक्ट द ऑपरेंड ये फिर याद रखने वाली चीज है कि जी जिसपे ऑपरेट किया जा रहा है उसको कुछ नहीं होगा लेकिन जवाब फर्क आएगा सो so, जवाब को अफेक्ट करने के लिए नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है सो इफ यू थिंक अबाउट इट और ये जरा सा आपको सोचना पड़ेगा आई विल नॉट गिव यू द आंसर एयर इफ यू वो राइट द स्टेटमेंट इफ नाट और फिर परंथिसिस के अंदर आमिर एज ग्रेटर दैन अमारा एज परेंथिस क्लोज्ड तो अब आपने सोचना इस बात पर है कि जनाब इसका जवाब क्या है या उसका मतलब क्या होगा डज इट मीन आमिर इज यंगर देन अमारा डज इट मीन आमिर इज आमिर एज इज लेस दैन और इक्वल टू अमाराज एज बी के एफ ओ वर्क इट आउट गिव इट अ थाट गो टू द डिस्कशन बोर्ड आपस में भी डिस्कस करें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ डिस्कशन बोर्ड के ऊपर डिस्कस करें चलें एक और लॉजिकल कनेक्टिव का एग्जाम्पल रियल लाइफ आपसे जो क्लास आती है जो नई एडमिट होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में उसके लिए हमने एक रूल रखा हुआ है कि जनाब इंटर में कोई ख़ास फीसद नंबर चाहिए और फिर आपको एडमिशन टेस्ट में भी पास होना है या उसमें रैंकिंग में ऊपर आना है तो फ्रॉम अ सी परस्पेक्टिव वी हैव टू हैव समथिंग लाइक इफ परस ओपन इंटर मार्क्स ग्रेटर देन 45। अब इंटर मार्क्स जो है वो हमने एक वेरिएबल कह लिया इसमें इंटर के नंबर होंगे इंटीजर होगा नंबर्स फ्रैक्शन में नहीं दिए जाते और उसके साथ फिर ये पहली कंडीशन है अब हमने इसके साथ एंड लगाना है ठीक है ना लॉजिकल कनेक्टिव एंड सो डबल एम्पस or let us say the uh, test marks greater than or equal to pass marks here uska johanna action might be as simple as see out welcome to virtual university so compound logical expressions they are very very common and again you have to be careful in terms of and एंड और ये कब इस्तेमाल करनी है ये अंग्रेज़ी का एंड है और अंग्रेजी का और है उर्दू वाला और नहीं है सो बी केयरफुल विद दैट ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ वॉट इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट यू आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट इसके साथ अगर रियली really ट्रिकी होना है तो अब मैं इसके एक्सप्रेशन के बाहर एक नोट लगा देता हूँ मैं ये कहता हूँ इफ नोट ठीक है और आगे फिर वही दो चीजें इंटर मार्क्स ग्रेटर देन 45 एंड टेस्ट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू तो पास मार्क्स और फिर आगे स्टेटमेंट्स अगेन अ अगे क्वेश्चन फॉर यू इसका क्या मतलब होगा अगर नॉट बाहर लगा है परंथिस के ये पूरी एक्सप्रेशन अगर इन्वर्ट हो गई तो क्या इसका मतलब है क्या ये मतलब है कि जी अगर आपके इंटर के नंबर कम हैं और या मैं उर्दू बोल रहा हूँ कि जी और साथ जो है टेस्ट में मार्क्स जो है वो कम हैं दोनों चीज़ें इन्वर्ट होंगी एंड या और इन्वर्ट होगा क्या होगा वेन ऑल एल्स फेल्स गो बैक एंड ड्रॉ योर सेल्फ अ ट्रूथ टेबल ठीक है ट्रूथ टेबल से इट विल बिकम वेरी क्लियर एंड यू विल फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर आंसर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग सो आज के लिए जब हम बात कर रहे थे वी बेसिकली कवर्ड द इफ़ स्टेटमेंट और उसके साथ उसका वेरिएंट कि जी इफ एल्स के साथ और साथ हमने आपको इंट्रोड्यूस किया एक छोटी सी फ्लो चार्टिंग टेक्निक्स के साथ या उनकी कॉन्स्ट्रक्ट के साथ सिम्बल्स वही हैं जो पहले भी आपने देखे हुए हैं आज हमने उनको फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दिया है और हमने देखा कि जी एफ स्टेटमेंट के लिए जब भी हम एक्स मतलब उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हम इंडेंटेशन लेफ्ट टू राइट दिखाएँगे और अगर एफ़ और एल्स स्टेटमेंट हमने कंपाउंड स्टेटमेंट बनानी है तो हम फिर भी इंडेंटेशन लेफ्ट टू राइट ही रखेंगे लेकिन दो डिफरेंट ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे एक ब्लॉक के साथ हम देन लिख देते हैं और दूसरे ब्लॉक के साथ हम एल्स लिख देते हैं इसका फायदा लेट्स टेक अ क्विक लुक सपोज यू है डैट मीन ने मतलब ये होगा कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट लिखा हो पहला क्वेश्चन क्या ये लिखा जा सकता है सी के रूल्स के मुताबिक सी ऑबियसली हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस यू कैन नेक्स्ट इफ़्स ठीक है न एक के अंदर दूसरा दूसरे के अंदर तीसरा कोई मसला नहीं है स्टाइलिस्टिक इशूज़ हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि इस पे पर हमारे पास एक और स्टेटमेंट भी है लेकिन फॉर द मोमेंट सपोज दैट वी हैव टू कवर समथिंग लाइक जी इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन एटीन और फिर आगे चल के कुछ और स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट करने के बाद हम कहते हैं कि जी विद इन दैट इफ़ फ़ हाइट इज़ ग्रेटर दैन फाइव फीट तो अब अगर आप अपने लिए एज एन एक्सरसाइज आप ये करें कि जी इस ने आप एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें लेट मी एश्योर यू यू विल फाइंड कि जी आपने लेफ्ट टू राइट इंडेंट किया और उस इंडेंटेशन के अंदर जहाँ पे आपने प्रोसेस लिखना था वहाँ पर एक और इफ़ स्टेटमेंट लिख दिया तो वह फर्दर लेफ्ट टू राइट इंडेंट हो जाएगा ये फ्लोचार्ट की जो तस्वीर बनेगी ये आपके इफ़ या नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के कोड के साथ एग्जैक्टली वन टू वन कॉरेस्पॉन्ड करेगी एज एन एक्सरसाइज आप इसी को बनाने की कोशिश करें जो किताब में आपके पास दिया हुआ है इफ़ स्ट्रक्चर उसके साथ बनाने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड कि जी वो स्ट्रक्चर आप कोड के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रखता सो डू दीज एक्सरसाइज एंड वॉट आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिएटरेट इज दैट यू जस्ट हैव टू कीप ऑन प्रोग्रामिंग मैं तो आऊँगा आपके पास एक लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स दिए कुछ एक्सप्रेशंस दी बट वट यू शुड बी डूइंग इज यू शुड बी कॉन्स्टेंटली यूजिंग वट एवर वी टॉक अबाउट इन द लेक्चर्स एंड यू राइट योर सेल्फ सम प्रोग्राम्स दो चार पाँच दस प्रोग्राम्स जो हैं वो बार बार आप लिखें बार बार लिखें अपने लिए कोई और चीज़ें कोई इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ बना लें कोई कंपेरिजन्स हमने आज बात की है डिसीजनस की बात की है ब्रिंग अप सम प्रॉब्लम्स पर हैप्स यू माइट वॉन्ट टू formulate some problems and put them on the discussion board get other people to work on them get people to say okay here's a challenge Yeh ek problem hai iska code batao. ek problem hai iska flow chart bana ke so have a lot of discussion and interaction we will also be looking at that discussion we will also have moderated discussion board so we will lead the discussions but keep on programming so aaj ke liye, अगर हम देखें कि हमने क्या कवर किया हमने पहले तो थोड़ा सा रीकैप किया छोटे से अल्फ बे पे अभी हम पढ़ रहे हैं उसके बाद आज हम डिसीजन पे चले गए उसमें सी का जो डिसीजन स्ट्रक्चर है इफ़ स्टेटमेंट और फिर उसके साथ एल्स का स्टेटमेंट सो इफ एल्स हमने उनकी फ्लो चार्टिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स का जिक्र किया उनकी तस्वीरें आपको दिखाई आपको बताया कैसे बनाया जाता है वी लुक एट समूडिमेंट्री कोड एग्जाम्पल्स एंड देन वी लुक एट अन अगली दफ़ा वी गेट इन टू इवन मोर इंटरेस्टिंग स्टफ आर लूप्स लूप्स के बाद हमारी जो है मेन कॉन्स्ट्रक्ट वो कम्प्लीट हो जाती है कि हमारे पास डिसीजनस भी आ गए लूप्स भी, भी आ गए अब हम सीरियस प्रोग्राम्स लिख सकते हैं सो टिल नेक्स्ट टाइम इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़